ये क्या है, यहाँ जाएगा इलाज करवाने? हेलो, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, यू ब्यूटीफुल पीपल। तो की हाल चाल है आप सभी के? तो आज का कमेंट सेक्शन आप लोग जरूर से बताना कमेंट सेक्शन में कि कैसा लगा अभी का मेरा ड्रोन शॉट। तो मैं बाइक भी चलाता हूँ और ड्रोन शॉट भी लेता हूँ। तो मेरे को मेरे वीडियोस में दो सीक्वेंस बहुत अच्छे लगते हैं, जो कि है एक ड्रोन शॉट और एक है स्लोमो सीक्वेंस। तो ये दो चीज़ों से मुझे बेहद प्यार है भाई। ये तो पूरा ब्लॉक हो गया रास्ता ही। तो इन दो चीज़ों से हमें बेहद प्यार है, इसलिए आप मेरे वीडियोस में देखते होंगे कि आपको जरूर ड्रोन शॉट्स और स्लोमो सीक्वेंस आपको जरूर देखने को मिलता। तो दो दिन का हमने गैप लिया हुआ था, बीच में मैंने वीडियोस नहीं अपलोड किया क्योंकि मुझे थोड़ा मतलब मूड नहीं कर रहा था, क्योंकि मैं लास्ट 15 डेज या 16 डेज से मैं डेली व्लॉग्स कर रहा था, तो सब सिमिलर टाइप का हो रहा था। मुझे लगा कि दो दिन का ब्रेक लेता हूँ, थोड़ा सा मूड फ्रेश होगा, फिर नया कंटेंट लेके आएंगे आप लोग के लिए, तो और मज़ा आएगा, क्योंकि थोड़ा फ्रेश होने के बाद थोड़ा और एनर्जेटिक होते हैं और वीडियोस बनाने में भी मज़ा आता है। तो यही था। और पिछला दो फेस्टिवल गया, आप लोग को पता होगा कि ईद गया और फिर रक्षाबंधन गया। तो आप सभी लोगों को ईद मुबारक और रक्षाबंधन मुबारक, जिस किसी को भी मैंने विश नहीं किया हो, तो रक्षाबंधन मुबारक और ईद मुबारक आप सभी लोगों को। तो फिलहाल अभी चल रहा हूँ चौराहे पे और आज का धूप भैया, आज का धूप इतना कड़क है ना कि जैसे इसका बाल कड़क था भाई, फिर एकदम सॉलिड कलर, वैसा ही धूप है बहुत कड़क वाला। तो अभी हम चल रहे हैं अपने चौराहे पे और मिलाते हैं अपने फ्रेंड से और बात ये करना है। और हाँ, आप लोगों से मुझे एक बेहद ज़रूरी बात ये करना है कि आपको पता ही होगा कि हमारा जो वीडियो था वो बहुत ही ज़्यादा वायरल हो गया, तो उसके वजह से बहुत ज़्यादा बवाल मच गया है हमारे एरिया में, क्योंकि मेरे से जितने भी व्यूअर हमारे सब्सक्राइबर जो नए जुड़े हैं, जो मिलते हैं, उसी के वीडियोस के बारे में ही बात करते हैं कि भाई क्या हुआ क्या नहीं हुआ, उसके बाद कहाँ के लोग थे, भाई हमको बताओ, हम चल के उन लोग को समझाते ये वो करते हैं। तो मैं मतलब सबको यही बताते चलता हूँ कि भाई वो सब मैटर जो है सॉल्व हो चुका है, अब उस पर बात करके कोई मतलब नहीं है। तो आप लोगों को पता ही होगा कि वो वीडियोस पे आई थिंक 2.5 मिलियन या 2.4 मिलियन व्यूज हैं। तो उसके वजह से अपने बहुत सारे लोकल के सब्सक्राइबर बन चुके हैं, जो कि अपने बस्ती यूपी के एरिया के अपने सब्सक्राइबर हैं। तो जो भी मिलता है बहुत प्यार देता है इंस्टाग्राम पे, और वैसे भी बहुत सारे लोग मिलते हैं तो काफ़ी मज़ा आता है। तो यही है, आप सभी लोगों का तहे दिल से शुक्रिया, जो लोग भी हमें सपोर्ट करते हैं, थैंक यू सो मच, आई लव यू ऑल। अभी चलते हैं, हम अपने चौराहे पे पहुंच गए, दो दिन से तीन दिन से बंद था क्योंकि फेस्टिवल था और आपको पता ही होगा सैटरडे संडे बंद रहता है। तो अभी पहुंच गए और आपको जो सामने हाईवे दिख रहा है वो हाईवे कनेक्ट करता है, इधर जाता है सीधा बस्ती और इधर सीधा जाता है बासी एंड देन नेपाल बॉर्डर। तो आप अगर ये सीधा जाएंगे तो आप जा सकते हैं नेपाल बॉर्डर। जी हाँ, अगर हम स्ट्रेट 100 या 150 किलोमीटर चल जाएं तो आई थिंक आई विल रीच नेपाल।
तौफीक कहाँ गए? किसके साथ? पता नहीं। कब? पता नहीं। मतलब यही चौराहे पे है? पता नहीं। पता नहीं। पता नहीं। पता नहीं। जा रहा है क्या? A few moments later. अरे मार खाता तो बहुत हमें खुशी होती। साले हरामी बताओ दिख रहे हो? अरे इसको कहने दो ना। साला लौंडिया बाज हो गया इस समय। ATM ले लिया है ना इसी वजह से। नहीं यार जब आपको कोई प्रॉब्लम होगा तो आप मेरे को तुरंत फोन किया करो, ठीक है? हाँ जरूर। अब अगली बार कोई कहीं मसला होगा तो कहीं भी कोई डिस्टर्ब करे तुरंत हम लोग को फोन करो, तुरंत हम लोग आ जाएंगे। ठीक। और तौफीक तुमको? तौफीक तो मार खिलवा देगा सारा, कहेगा पहले मार लो फिर हम आमद थे। क्या भाई किधर लेके गए थे अभी? गंदा खाई गया था। क्या देख रहे? अरे देखो गार के रख दिया भैया। तेरे से हुआ था? तेरे से नहीं हुआ था, वैसे मंगनी लेके जाते हैं चिपका के ले आते हैं, देख रहे हो? नहीं बहुत भयंकर हो गया, इधर भी हो गया देख। इधर भी गांड मार लिए साले सर। तब बोला नहीं उसको जो ले गया था? 6 महीने की गाड़ी है जो एकदम खटारा हो गया। फिर सैनिटाइज कर रहा है साला। अबे आदत हो गया क्या? हाँ तब क्यों कि खुजली उजली हो? नहीं पहना ना हूं। क्या कच्ची कि लंगोटी? हरदम सैनिटाइज करता है। तो लोग बोलते हैं ना कि तू जानबूझ के क्यों डालता उसका सैनिटाइजेशन, लेकिन अभी देखो अभी सच में कर रहा था। और ये क्या है तौफीक? रुक, ये क्या है? यहाँ जाएगा इलाज करवाने? और आज सच में बहुत ज्यादा भयंकर वाला गर्मी है भैया। फटान एकदम बहुत भयंकर। दतिया चला गई है, दतिया मानिकचंद, मानिकचंद के आगे चला गई है सहारी पेपर चेन के, ये काम होने को। A few moments later. तो भाई साहब हमने बाइक अपना पार्क किया था यहाँ ऊपर छाँव में नीम के पेड़ के नीचे, जिससे कि बाइक हमारा गर्म नहीं हुआ, नहीं तो आज इतना धूप है ना कि मतलब तबीयत खराब हो सकता अगर आप इस धूप में घूमेंगे। तो इसीलिए अभी हम चल रहे हैं घर पे। ए, बढ़ाओ भगवान। मेरे को मालूम है रॉन्ग जा रहा हूँ क्योंकि मुझे इधर जाना है। कड़ाई ले भैया, कड़ाई ले जा। तो भाई साहब यहाँ से स्टार्ट हो जाता है हमारा गांव, और आपको आज हम गांव भी घुमा देते हैं, थोड़ा सा अंदर तक दिखा देते हैं कि हमारे गांव में क्या क्या है। ये देखो यहाँ पे पानी अब धीरे धीरे कम हो रहा है, नहीं तो ये ऊपर तक पानी था भाई। और हमारे गांव पे ये एक बहुत ही पुराना मंदिर है, आई थिंक मैं पैदा भी नहीं हुआ था तब का मंदिर है ये। तो सुबह सुबह रोज इधर गाना बजता, सुबह और शाम 5 बजे से स्टार्ट हो जाता है इधर गाना बजना। सही है ना? बैक टू पवेलियन, घर चलते हैं। अरे अरे अरे, अरे। स्वाट आप लोग देख लिए होंगे। कौन स्वाट? स्वाट पता नहीं है। ये बताओ जब से मैं आया हूँ किस वीडियो को लेके यहाँ पे बवाल मचा हुआ है हमारे एरिया में, 4-5-6 गांव में? हाँ केटीएम बाइकर अटैक, उसकी वजह से बवाल मचा है। A few moments later. अच्छा ये बताओ कि जुमा के दिन क्या पहनते हैं? और जब साइकिल खराब हो जाता है तब क्या बनता है? तेज से और ते का पहने
क्या पहने अड्डी बंदे हां अड्डी बंदे के चक्कर में क्या कर दूं भाई, बाइक उड़ा दूं कि ट्रेन के पटरी पे बाइक चलाऊं। तो यही है भैया, जो नॉर्मल है वही हम दिखा सकते हैं।